हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपेरेंसी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड बेसिस फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड गाइडलाइंस फॉर कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो हमारी LPG पॉलिसी आई थी 1991 में एंड तब लिबरलाइजेशन हुआ, तो जो एक्टिविटी गवर्नमेंट के पास थी वो कुछ एक्टिविटी क्या है प्राइवेट सेक्टर के पास आ गई थी। जो है प्राइवेट सेक्टर के पास भी राइट था कि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। एंड इसका हुआ क्या कि जो बहुत सारी कंपनीज के अंदर घोटाले होने लगे, स्कैंडल्स होने लगे, फ्रॉड्स होने लगे। एंड इस वजह से जो भी उसके अंदर इन्वेस्ट करते थे पीपल, ठीक है, तो लोगों को कि क्या लगा कि भाई हम क्यों इन्वेस्ट करें, उनको ट्रस्ट ही नहीं रहा, तो कोई भी उस चीज़ को इन्वेस्ट किसी भी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। एंड गवर्नमेंट इसको इग्नोर नहीं कर सकती थी क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी में कॉरपोरेट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो इसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना था। एंड इस टाइम पे हमें कमी लगी कॉरपोरेट गवर्नेंस की कि कंपनी के अंदर क्या है कॉरपोरेट गवर्नेंस, जो रूल एथिक्स है उनको फॉलो करना चाहिए एंड उनको लॉ के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए एक तरह से, और ताकि जो भी ये फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं इनको हम रोक सकें। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है कि एक कंपनी के अंदर बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को कॉरपोरेट में फॉलो किया जाए एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो किया जाए। पर्पस क्या था हमारा यहाँ पे कि जो कंपनीज़ के अंदर लॉ के अकॉर्डिंग काम हो और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स वो कौन होते हैं जो हमारी कंपनी से लिंक होते हैं, लाइक हमारे शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, ये हमारे क्या हैं, गवर्नमेंट होगी, पब्लिक होगी, ये सारे क्या हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं कि भाई जो भी हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो हमें उस कंपनी के फैक्ट्स के बारे में पता हो कि कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमें परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए, कितना उसके अंदर रिस्क है, हमें अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो ये राइट है स्टेक होल्डर्स का और उनको ये चीज़ पता होना चाहिए। बट पास्ट कुछ ईयर से जो कॉरपोरेट मिसकंडक्ट है ये काफ़ी चर्चा में है एंड हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर कॉरपोरेट के लिए ये एक हाई एजेंडा है। ट्रांसपेरेंसी क्या है हमारा, एक गुड गवर्नेंस का एक टूल है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि ओपननेस होनी चाहिए, कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कुछ भी हमने हाइड नहीं करना अपने स्टेक होल्डर से। जो भी इन्फॉर्मेशन है हमने वो शेयर करनी है अपने स्टेक होल्डर से, और जो भी हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो हमने टाइमली शेयर करनी है, एक्यूरेट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट होनी चाहिए एंड कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होनी चाहिए और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, यानी उसके लिए हम उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लगाएंगे, बल्कि उनको जो भी उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। देन है, अगर कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी तो हम करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारा कि एक प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस इज दैट स्टेक होल्डर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंपनी एक्टिविटी, व्हाट इट प्लान्स टू डू इन द फ्यूचर एंड एनी रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट्स बिजनेस स्ट्रेटजी। तो एक गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी कंपनी के अंदर जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारी कंपनी के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या हमारे प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए, कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं, और अगर कोई बिजनेस में हमारे रिस्क इन्वॉल्व है तो वो भी हमें बताना चाहिए। एंड हम जो भी उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। कंपनी के अंदर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बेटर डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी उनको प्रोवाइड करवाएंगे एंड नॉन फाइनेंशियल भी, यानी हमने दोनों ही जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड करवानी है। किनको प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, लैंडर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक है, और कौन प्रोवाइड करवाएगा, मैनेजमेंट करवाएगा। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि एक ट्रुथ पोजीशन हमें बतानी चाहिए अपने स्टेक होल्डर्स को। सो जितना भी हमने अब तक स्टडी करा वो हम लिखेंगे इसके, तब इंट्रोडक्शन लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर या फिर मीनिंग लिखेंगे। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी इज पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ रिलायबल एंड टाइमली इंफॉर्मेशन दैट अनेबल यूजर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टू मेक एन एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस, इट्स बिजनेस एक्टिविटी एंड द रिस्क रिलेटेड टू दोज एक्टिविटीज़।
यानी पब्लिक को हमारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन से हमें वो पता लगा सके कि कंपनी की बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस में हो रही हैं, एंड किस टाइप के जो रिस्क इंक्लूड है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। लास्ट के कुछ 100 सालों से क्या है कि अगर हम कंपैरिजन करें हमारी ट्रांसपेरेंसी का और कॉरपोरेट गवर्नेंस का, तो ट्रांसपेरेंसी पे इतना फोकस नहीं किया जाता था, बट अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो ट्रांसपेरेंसी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। ट्रांसपेरेंसी हमारी एक सेंटर स्टेज बन चुकी है, यानी एक बहुत आप बोल सकते हो क्रिटिकल पॉइंट बन गया है, जबकि पहले क्या है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, ये एक साइड फंक्शन था। तो अब जिस न्यू वे से हम ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं, उसमें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 5 जो फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड है जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा कि हम बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी चीज़ों को बहुत गहराई से देखते हैं कि जो भी हमारी कंपनी के अंदर हो रही हैं। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा डिमांड होगी है न्यू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जाए। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, पहले क्या होता था कि एक सिंपल रिपोर्ट देनी पड़ती थी, बट जो अब है रिपोर्ट के साथ साथ जजमेंट देनी पड़ती है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। सो जो रिक्वायरमेंट है इसको डिस्क्लोज करने की वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि एक्शन लेने से पहले, यानी डिस्क्लोज करने से पहले, और क्या होता है कि दोनों ही पार्टी अटेंटिव रहती हैं। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है क्या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए पब्लिक को, इसको लेकर मतलब काफ़ी सारी डिबेट होती हैं। तो अब इतनी सारी स्कैंडल्स हो गए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, तो ट्रांसपेरेंसी आज के टाइम पे एक डिबेट का पार्ट बन चुकी है। सो इसके बाद है हमारी बेसिस फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी। बेसिस फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि जो मीडिया है वो देखती है कि जो ट्रांसपेरेंसी का जो फोकस वो किस चीज़ पे करती है, कि जो हमारे टॉप ऑफिसर्स है, सीईओ है, या फिर जो हाई ऑफिसर्स है, कि कहीं वो तो नहीं रिपोर्ट को मिसलीड कर रहे, कहीं वो तो नहीं फाइनेंशियल जो फ्रॉड कर रहे, कहीं आपस में ही कोई सीक्रेट डील कर रहे हो जो हायर रैंकिंग ऑफिसर्स हैं। सो वो रिस्पॉन्सिबल हैं, बट है क्या कि जो हमारी पूरी कॉरपोरेशन ही ट्रांसपेरेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हमारे जो हमारे यहाँ पे 4 है जो की पॉइंट्स हैं कि किसी भी कॉरपोरेशन के लिए ट्रूली ट्रांसपेरेंसी के लिए ये 4 की एलिमेंट्स है जो रिक्वायर है। फर्स्ट हमारा ए कल्चर डेडिकेटेड टू ओपननेस एंड ए कमिटमेंट ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम कॉरपोरेशन मोस्ट सीनियर लीडरशिप, यानी कंपनी का कल्चर ओपननेस होना चाहिए, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंपनी के जो मोस्ट लीडर हैं वो कमिटमेंट करेंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए। सेकंड है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अगर कोई कहीं पे बेटर जो है ट्रांसपेरेंसी है तो वहाँ पे उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। एंड सेकंड है कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है वेल ट्रेंड वर्कर्स एंड मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना एट ऑल लेवल्स ऑफ द कॉरपोरेशन, कि उनको वो अपना जो काम है कॉन्फिडेंस से कर चुके, उनको पता हो कि क्या गलत है क्या सही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो वो गलत चीज़ों के और सही चीज़ों के चीज़ों में उनको फ़र्क पता होना चाहिए। फिर हमारा कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करनी, ठीक है, जो भी उनको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन बतानी, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी रखनी कंपनी के अंदर। फिर हमारी गाइडलाइंस फॉर कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी। सो गाइडलाइंस फॉर कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है लीडरशिप ऑब्लिगेशन, कि जो हमारे लीडर है कॉरपोरेशन के वो कमिटमेंट करें कि हम अपने जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी, एथिक्स गाइडलाइंस एथिक्स स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे, किसी भी तरह से हम कोई भी गलत प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड जो भी लीडर कमिटमेंट कर रहा है वो किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही कमिटमेंट करेगा, एंड वो स्टैंडर्ड है जो सीनियर लीडर है उसने बनाया होगा। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर।
यानी ट्रांसपेरेंसी क्या है, रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कि जो हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे स्टेक होल्डर्स को वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो क्लियर होगी कि कौन रिपोर्ट करेगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है, एंड जो भी वो रिपोर्ट करेगा वो रेलिवेंट होनी चाहिए, टाइमली हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यानी कि जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो भी वो कमिटमेंट कर रहा है, जो भी हमारा लीडर है कि हमने ट्रांसपेरेंसी लेके रहनी है, तो उस चीज़ के लिए वो क्या है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करें, सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि सिर्फ एक टॉप लेवल मैनेजमेंट की ट्रांसपेरेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि पूरी पूरी हमारी कंपनी की है। सो सबको साथ लेकर चलना है, सबको बताना है कि हमारी क्या कमिटमेंट है, कैसे हमने उसको पूरा करना है, ये इंश्योर करना है कि कैसे हम अपनी कमिटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। सो स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं जो हमारी कंपनी से कनेक्ट होते हैं, किसी भी तरह से लिंक होते हैं, लाइक लैंडर्स हैं हमारे, शेयर होल्डर्स हैं, इम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, तो उनको कम्युनिकेट करना हमारी जो भी उनको असेंशियल इंफॉर्मेशन है टाइमली, और जो भी हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो टाइमली दें, जो प्रोवाइडिंग फास्ट प्रोवाइडिंग हो, इनएक्सपेंसिव मीन्स हो, कि ये नहीं हो कि हम उनको चार्जेस लगा के फिर हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। एंड जो भी हम डाटा उनको दे रहे हैं, फाइनेंशियल डाटा है या फिर जो भी हमारा कस्टमर स्टेटिस्टिक्स है, वो सारा हम उनको क्या देंगे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, किसी भी तरह से उसके अंदर कोई भी हेरा फेरी नहीं होगी, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम उनको नहीं देंगे, जो भी हम डिस्क्लोज कर रहे हैं वो एकदम जो है रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड उसके बाद उनको जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बाद हम उनसे कम्युनिकेट भी करेंगे, हम उनसे फीडबैक भी लेंगे, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, कम्युनिटी लीडर्स हैं, कि जो हम आपको जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो जैसे हमारी कॉरपोरेशन काम कर रही है, ये ठीक कर रही है कि या नहीं कर रही, क्या इसके ऊपर कुछ और काम करने की, कोई और एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, हम उनकी सजेशंस भी यहाँ पे लेंगे। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि हम जो उनको भी जो भी स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या हो, एक ट्रूथ होगी, उसके अंदर कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा, कुछ भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी हम उसको पोजीशन बता रहे हैं हमारी कंपनी की, कि हमारे कितने प्रॉफिट से, कितने लॉस से, क्या हमारी बैंकिंग फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, हम वो ट्रूथ बता रहे हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल यही है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड जो हम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रूथ होने के साथ साथ डिस्क्लोज भी करनी है हर एक शेयर होल्डर्स को, राइट? तो ये थी हमारी गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव अ गुड डे।